सब्सक्राइब करें डी क्रिकेट चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर पहुंचे आपके पास सबसे पहले। क्विंटन डिकॉक के फेक फील्डिंग रनआउट पर मचा बवाल, फखर जमान को विचलित कर कराया रनआउट, जिस पर शोएब अख्तर ने दिया है बड़ा बयान। जी हाँ, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 17 रनों से हरा दिया, जिसमें फखर जमान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 193 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 18 चौके और 10 छक्के भी शामिल थे। लेकिन फखर मात्र 7 रनों से अपने दूसरे दोहरे शतक से चूक गए। फखर जमान की इस पारी की हर तरफ तारीफ हो रही है। फखर की इस पारी ने इतिहास रच दिया है। फखर ने वनडे मैच में स्कोर का पीछा करते हुए व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि वो दुर्भाग्यपूर्ण रन आउट हो गए और उनका ये रन आउट चर्चा का विषय बन गया। दरअसल जब 50वें ओवर की पहली गेंद पर फखर जमान दूसरे रन के लिए दौड़ रहे थे, तब क्विंटन डिकॉक ने फखर जमान को विचलित करने के लिए दूसरी छोर की ओर इशारा किया, जहां लुंगी निगड़ी खड़े थे। लेकिन फील्डर मार्करम ने फखर जमान की ओर गेंद फेंकी, जो सीधे स्टंप पर जा लगी और फखर जमान रन आउट हो गए। फखर जमान जब दूसरा रन लेने के लिए दौड़ रहे थे तो वो थोड़े धीरे हो गए थे। डिकॉक के इस तरह से फेक फील्डिंग रनआउट की खूब आलोचना हो रही है, जिस पर पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या डिकॉक का ये रनआउट का तरीका खेल भावना के खिलाफ नहीं है? आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, डी क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।